शासक से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आबकारी और पुलिस ने संयुक्त रूप से जनपद के सभी थानों में अवैध देसी कच्ची शराब के खिलाफ छापामार अभियान चलाया। इस अभियान के लिए विगत रात्रि में निर्देश प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएन बेग ने सभी थानों और चौकियों को निर्देशित किया। निर्देशों के क्रम में सदर कोतवाली पुलिस ने सीओ राजा सिंह के नेतृत्व में आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से अवैध कच्ची शराब के गढ़गांव चीरा में छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई में लगभग एक दर्जन से अधिक जलती हुई भट्टियों को किया नष्ट, तथा मौके से लगभग 2500 लीटर शराब बरामद कर 30,000 लीटर से अधिक लहर नष्ट किया गया। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियान में भट्टियां तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही ट्रैक्टरों और चारपहिया लोडर वाहनों की मदद से अवैध शराब के गढ़ से शराब बनाने की उनके बहुत से उपकरण जब्त कर लिए गए। सर, आज आपने जो चीरा में ग्राम चीरा में जो अवैध शराब को दबिश दी है, क्या उपलब्धि मिली है, कितना बराबर? ये चूँकि दीपावली के त्यौहार 27 तारीख में है और अमूमन ये त्यौहार में लोग ज़्यादातर जो है नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। इस क्रम में कप्तान साहब ने एक पूरी कल मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग बुलाने के बाद कप्तान साहब के डायरेक्शन पर 4-5 थानों को फोर्स कलेक्ट किया गया और लगकर के आज हम लोगों ने पूरे गाँव को राउंड अप करके दबिश दी है। आप देखिए, खुद देख रहे होंगे, लगभग 10 भट्टियाँ बड़े लार्ज पैमाने पर मिली और उनमें कम से कम 10-15,000 लीटर जो लहन मिला सब लहन नष्ट कराया गया, ड्रम जब्त किए गए और लगभग 2,200 लीटर जो है कच्ची शराब बरामद हुई है, जिसको बल्कि और टीमें दबिश चल रही है अभी और इसकी मात्रा और आगे बढ़ेगी और बड़े बड़े पैमाने पर 10-12 भट्टियाँ नष्ट की हैं। हमने जेसीबी के साथ पूरा प्रॉपर ग्रुप ग्राउंड वर्क करके सब काम किया है और पूरा दिन कार्रवाई हमारी चलेगी। कोई गिरफ्तारियाँ? गिरफ्तारी तीन लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी कहना पॉसिबिलिटी लोगों को गिरफ्तार होगी।